ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। एक बार फिर से हाजिर हैं हम जी रिएक्शंस में। मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोईन और मैं हूं ज़ाहिर खान। बिल्कुल जनाब, आज एक नए रिएक्शन, एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट। और बिल्कुल आज हम जो कंटेंट आपके सामने लेकर आए हैं वो एक बड़े ही फेमस टिकटॉकर और अब तो यूट्यूबर भी व्लॉग्स बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शबर जाफरी की। उनका एक मेरे ख्याल से कलाम रिसेंटली लॉन्च हुआ, पता नहीं सॉन्ग है कलाम है वो, हम देख के उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाता है। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के नाम नज़र आ भी रहे हैं उसमें, इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल से उस कलाम को रिव्यू करते हैं, और उसका तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उसको आए हुए। तो अब देखते हैं कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स आया और क्या उस कलाम के अंदर है, उस वीडियो के अंदर क्या है। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल उस बिल्कुल, रिएक्शन को मैं यही देखते हैं। कहूँगी खैबर को जो है ना, यहाँ पे स्पेशली 3-4 दफ़ा हमारे पास आ भी चुका बिल्कुल हुआ है और बहुत ज़बरदस्त उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। और हमारी तरफ से मैं समझता हूँ कि MZ रिएक्शन की तरफ से एक बिल्कुल हम एक ट्रिब्यूट समझ लें कि उनको एक कर रहे हैं कि चलें जी, उनका जो न्यू जो ये कलाम है हम इसके ऊपर रिएक्शंस वीडियो बना रहे हैं, तो चलें देखते बिल्कुल हैं। इस टोन पहले भी कुछ कंटेंट आ चुका होगा वैसे, अच्छा लग रहा है। शब्बर मेरा शुरू में ही आया। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सहराए फानी है, 4 रोज की मेहमान ये तेरी जिंदगानी है, जन जमीन गरजे वर ये कुछ ना काम आएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। कुछ फहर से पीते दारू, कुछ फहर से चार लोग हैं, कुछ फहर से पड़े नाते और पीछे लगे हैं सांस, क्यों इज्जत आए रास आस लगी है सबको पैसे पे, वैसे ये दुनिया सारी फानी है, बात यही मैंने जानी है, जानी है। सच बोलो के गला कटेगा, झूठ बोलो के अल्लाह से डर,
गेस्ट अपीयरेंस से लग रही है शबर। बच्चे किसी के भूख से जब बिल बिलाते हैं, मुझको सखी अमीर बहुत याद आते हैं। ये नीच लोग किस तरह गुर्बत मिटाएंगे, जो माल खुद गरीबों के हिस्से का खाते हैं। मत कर हराम माल से बच्चों की परवरिश, इनके चलन जमाने को सब कुछ बताते हैं। और मस्जिद बना के खुश ना हो ए मुसलमान, यहाँ जन्नत बनाने वाले भी दोजख में जाते हैं। अच्छा जनाब, तोबा तोबा होगी। हाँ जनाब, तोबा तोबा और काफ़ी ज़्यादा तोबा हुई है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर, ये चीज़ें हैं कि बड़े ज़बरदस्त चीज़ों को उठाया है। मैं समझता हूँ कि जो ये हमारी यूथ स्पेशली जो है ना, अगर लड़कियों के बारे से हम बात करें कि वो इस तरह की हरकतों में ज़्यादा मुलव्वस होते हैं, उसको टारगेट किया गया है। और मतलब बुराई को ख़त्म करने के लिए और अच्छाई को प्रमोट करने के लिए ये एक बड़ी अच्छी काविश थी। लेकिन उसमें थोड़ी सी वीडियोस के हवाले से अगर हम बात करें कि उनको किस तरह से पिक्चराइज किया गया या क्या क्या सीन्स लिए गए हैं, तो वो उसमें थोड़ी सी कमी है, उसको मज़ीद बेहतर हाँ, किया जा सकता था। और शब्बर जाफ़ी के नाम मिला सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ मार्केटिंग के लिए किया। यूज़ किया। और मैं बल्कि मुझे तशवीश है इस हवाले से सब शब्बर के आपकी मरह, मुझे लग रहा है कि गेस्ट अपीयरेंस ही एक तरह की स्टार्ट हुआ और फिर एंड आप पे किया। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये एंड भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन एंड पे आप आए तो मतलब, और मैं ये वीडियो हम रिव्यू भी कर रहे हैं तो शब्बर भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उसका ऐसे ही। उसके टिकटॉक पर मैंने देखा था, तो उसने जो है ना वो एक कहा हुआ है कि मेरा जो कलाम है जाके आप देखें, तो उसी को फिर मैंने मोहित को बताया और आज हम रिव्यू करेंगे। क्या क्या कहते हो मोहित? अच्छा वैसे कुछ चीज़ें, एक वैसे वीडियो के हवाले से बात करें तो उसमें काफ़ी थी ज़रूरत इम्प्रूवमेंट की और उस चीज़ें की। और सबसे बड़ी बात के बेसिक एक चीज़ थी वीडियो लिपसिंग जो लोगों ने की है उसमें, और जो स्पीचे बोला जा रहा है सारे कलाम उस पर सिंक ही बेहतर नहीं हुआ। ओके, जो एक्ट जिस जानदार होना चाहिए था जैसा, यहाँ तक कि मेरे से शब्बर की लाइन्स में भी वो उस तरह से सही सिंक नहीं किया हुआ। मतलब कि बहुत जगह वो बड़ा वीडियो में बहुत लाइट सा शोर और पीछे आवाज में वो जो बड़ी एक कड़क पर नज़र आ रहा है। इस तरह जो रैप कर रहा है उसी के साथ ये भी है कि वो बेचारा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो उसके पीछे वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा मसला है। इसकी भी एक ट्रिक होती है, जब उसको शूट कर रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ थी थोड़ी सी, तो उसमें मुझे एक नज़र आया। फिर इसके अलावा इतने ज़्यादा लोगों को ऐड करने की ज़रूरत क्या थी, एक ही रैपर से बुलवा लेते दूसरे को जब शूट किया, वो बिल्कुल उनका एक अलग ही उनकी पर्सनालिटी थी और बिल्कुल वो एक मैच नहीं था कह रहा उस और सॉन्ग उसमें के एक अंदर। और चीज़ जो मोहित आपने अगर नोट की हो कि बाकी सारी वीडियोस ऐसे थी और पीछे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ हाँ, किया, ग्रीन तो वो स्क्रीन भी। बिल्कुल ही अलग एक शो हो हाँ रहा था ये कि भी हो यार रहा ये था, क्या चल रहा है। तो इस ये तरह की चीज़ भी चीज़ों थी। को बड़ा और वो ख्याल जब रखना। उनको एक जो गुंडे का जिन्होंने किरदार किया हुआ, जब उनको थोड़ी सी होश आती है कि वो गलत करे तो एकदम वो ज़मीन पे गिर जाता है, उस सीन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, हाँ क्योंकि मतलब इत इत ओवर लोग एक्टिंग हाँ थोड़े से इसमें आ मतलब कि जाती उसने एक्ट ठीक किया डेफिनेटली, है, वो सही से गिरा, ओवर एक्टिंग नहीं सी लगी, लेकिन डायरेक्शन उस में। हाँ मतलब कि उस हाँ सीन की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, वो सिचुएशन के मुताबिक वो सीन नहीं था। बल्कि वो ज़रा उससे कहा गया होगा, उस एक्टर से उसने एक्ट कर दिया, लेकिन वहाँ जो एक्ट करवा रहे थे उनको, क्योंकि अक्सर लोग डांटते हैं या एक लड़ाई हो जाती इस होता ना, या मारा होता या कैसी चीज़ होती तो फिर उसके बाद कोई मरने का सीन होता, हाँ तो वो एक बंदा गिर रहा है बेहोश हो गया इतनी उसको। और ये हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है कि कहानी में एकदम ट्विस्ट दिखाया जाए। एक शोहर मियाँ बीवी का भी अगर ड्रामा है तो वो 23 एपिसोड तक शोहर बुरा है और 24वें एपिसोड में वो अच्छा वो हो गया और अच्छा होता 25वें था। में हाँ एपिसोड ख़त्म हो गया ड्रामा। तो ये एक यहाँ एक रिवाज बन गया है इस तरह का ना दिखाना, कि एकदम बंदे को होश आती है, हालांकि चेंज इतनी जल्दी नहीं आ जाता, नहीं चेंज बड़ी देर लेता है और उसमें वही एक टफ टाइम होता है इसी असल में। यही वजह होती है कि जब आपको हाँ ड्रामा बड़े शौक से, पिछले दिनों मैं एक ड्रामा देख रहा था, मैं उसमें चले नाम हम लेते नहीं हैं, वो मतलब जाहिद अहमद का अच्छा ड्रामा है जो अच्छा हम दोनों का ही फेवरेट है। अच्छा हाँ तो बिल्कुल उसका ना अब इतना मैं शौक से देख रहा ड्रामा, लेकिन लास्ट में अब उसका ड्रॉप सीन क्या होना था, किस तरह से उन्होंने एकदम से जो है ना वो 25 एपिसोड मैंने देखे और साथ ही वो अगला आ गया जी लास्ट एपिसोड। अब लास्ट एपिसोड में आप एक एपिसोड में वो सारी चीज़ें कैसे कवर कर सकते हो? बिल्कुल उन्होंने बस एक समझ लें कि इधर के पकड़ा उधर का ये कर वो कर लिया, वो अदालत का पूरा सीन ही उन्होंने गायब कर दिया कि अदालत वो गई और वहाँ पे बात हुई, वकील ने जरा की कितना कुछ होता है, वो उन्होंने अदालत को सिर्फ अदालत का नाम लेके ना ख़त्म कर दिया कि वहाँ पर ये हुआ।
तो वाइंड अप डेफिनेटली अगर आपने करना है तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से, चाहे अगर बिल्कुल आपने करना है तो एक एक आध एपिसोड को आगे बिल्कुल पीछे किया जा सकता है, बिल्कुल ताकि सही, वो आपका जो इम्प्रेशन बना हुआ है हाँ आपके डायरेक्शन का, आपके काम का, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल से ज़ीरो ऐसे हो जाता तो फिर बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता उसका। ऐसे ही। तो जनाब ओवरऑल बड़ी अच्छी कोशिश थी, क्योंकि एक अच्छाई को प्रमोट किया गया था और अच्छाई की बातें उसमें थी बिल्कुल और मोटिवेशन थी बीच में, और लोगों को थोड़ा सा उस हवाले से कि बुरे कामों से बचाने के हवाले से, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस एफर्ट को, और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोई अच्छा टॉपिक, और अच्छे टॉपिक के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है वो उस बिल्कुल पर भी आप लोग बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल जनाब, अपना रिव्यू आप लोग जो हमारे तमाम देखने वाले वो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगा करें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए रिव्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आने के बाद।